बाजी के मोर्चे पर बिट्टू फर्स्ट बॉल पहली ओवर चलिए पहली खेल यहां पे भैया तूने मारी एंट्री यहां दिल में बजी घंटियां झिंकू ने एंट्री मारा है दर्शकों के दिलों में घंटी बजा है पहली गेंद पहला चौका सुकांत झिंकू चलिए दूसरी गेंद लेकिन यहां पे कमबैक करते हुए गेंदबाज पहली गेंद पर चौका आई थी दूसरी गेंद में डॉट बॉल आई है पहली दो गेंद दो गेंद से एक चौका एक डॉट बॉल तो मुकाबला पूरी तरह से बराबरी में वो कांटे की टक्कर कोई किसी को जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे ये बड़ा मुकाबला है महामुकाबला इस वक्त देखिए ऑफ स्टंप के स्लाइटली बाहर की गई चिंकू रीच करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन रीच कर नहीं पाए इस गेंद तक पहली तीन गेंद बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक ये देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को लेके जा चुके हैं डीप पॉइंट में लेकिन चलिए फिर एक बार डॉट बॉल फिर एक बार बिंदी गेंद सोचना पड़ेगा यहां पर झिंकू को सोचना पड़ेगा यहां पर झिंकू को पहली गेंद पर चौका आई थी लेकिन लगातार तीन गेंद तीन डॉट डिलीवरी गेंदबाज पूरी तरह से हावी होते हुए झिंकू साहब के ऊपर इस मरतबा यहां पर चलिए भैया अब स्टंप के बाहर से चौका नहीं मिला तो क्या है लेग स्टंप के बाहर चौका इस गेंद को घसीटा है लपेटा है और पंजाबी ढाबा में जिस तरह से लच्छा पराठा को लपेटा जाता है उसी तरह से इस गेंद को लपेटा है झिंकू ने पहली पांच गेंदों में दो चौका अभी तक इस मरतबा स्लॉट डिलीवरी भैया गेंद गिरा स्लॉट में उसे पार्क कर दिया सीधा बाजू वाली प्लॉट में चाहिए और जाके उठा के लाई है और चिंकू के नाम चौका जोड़ दीजिए फर्स्ट ओवर की समाप्ति एक ओवर के बाद तीन चौका 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के बाद चलिए फर्स्ट ओवर की समाप्ति सेकंड ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर एक नया गेंदबाज एक युवा गेंदबाज को लाया गया है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना युवा जोश जो होता है वो कभी कभी आपको फायदा देता है तो इसीलिए युवा जोश को लाया गया है ये कैसा की गेंद है परफेक्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद बिल्कुल इस गेंद को पढ़ नहीं पाए हैं बल्लेबाज राकेश कुमार फुल टॉस डिलीवरी भैया प्लेट में रोसो गल्ला और मिष्टी दो ही डालेंगे तो ये बल्लेबाज आपको छोड़ेंगे नहीं ये बंगाली है तो दोनों हाथ से लपटेंगे जाइए और जाके उठा के लाइए और एक चौका राकेश के नाम सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर ऑलरेडी चार चौका फर्स्ट ओवर में झिंकू के बैट से तीन चौका इस ओवर में राकेश के बैट से एक चौका इस मरतबा यॉर्कर डिलीवरी और एक आला दर्जे का खेल यहां पे उच्च कोटि की बॉलिंग पिंड चक्रवर्ती मुस्कुराते हुए जानते हैं लीगल डिलीवरी है फिर एक बार ये खराब गेंद है बिल्कुल ये खराब गेंद है अब बल्लेबाज को न्योता दे रहे हैं कि आप बेल मुझे मार और ये बल्लेबाज आपको छोड़ेंगे नहीं ये आपको ट्रीटमेंट देंगे और एक चौका राकेश के नाम पांच चौका अभी तक फिर एक बार राकेश चलिए अंत करेंगे यहां पे बेहतरीन अंदाज में डॉट बॉल बिंदी गेंद गोल्डन डिलीवरी 24 कैरेट खारा सोना गोल्डन डिलीवरी के साथ करेंगे इस ओवर की यहां पे समाप्ति दो के पश्चात स्कोरबोर्ड में रन लग चुका है यहां पे टोटल 20 और अगर हम बात करें वहां पे विकेट के कॉलम का तो विकेट के कॉलम में गोल्डन जीरो है दो के बाद 20 बिना कोई विकेट के नुकसान के बाद काका लगास की बात लिंक है की लिंक चलिए सुकांत झिंकू ये लड़का जब भी चलता है सीना तान के चलता है इनके पाले में डालेंगे तो आप खतरे को न्योता दे रहे हैं पहली गेंद कड़क शॉट चाबुक बाउंड्री दूसरी गेंद फिर एक बार भैया कोरोना काल में गेंद को भेजा है सीधा क्वारंटाइन जोन में सैनिटाइज करके अंदर लाइए और झिंकू के नाम के पास चौका जोड़ी है दो गेंद दो चौका दो हवाई फायर वो आसमानी टोला उड़न खटोला दो चलिए फिलहाल तो गेंदबाज बल्लेबाज के जहन में यहां पे कुछ और डाल रहे हैं बल्लेबाज के जहन के साथ खेल रहे हैं लगातार दो गेंद दो चौका लेकिन तीसरा गेंद यहां पे नो बॉल की संकेत आई है
बिल्कुल लीगल डिलीवरी, लीगल डिलीवरी। और एक अच्छी गेंद और एक ये लीजिए यहां पे नो बॉल एक्स्ट्रा पेस। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर बोर्ड काफी रफ्तार में, लेकिन क्या संकेत है। चलिए व्हाइट है, व्हाइट के साथ चौका भी है, टोटल 5 रन फिली पर। इसी के साथ स्कोर बढ़ चुका है, टोटल पहुंच चुका है 34 तक। वंस अगेन सुकांत सिंह को ये खदेड़ के निकालते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच में से ग्रीन कारपेट को चीरती हुई गेंद गई है सीमा रेखा पार, कड़क बाउंड्री। फिर एक बार बिल्कुल ये अच्छी गेंद है, थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, लेकिन यहां पे ऑफिशियल कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं तालियों के साथ यहां पे देखिए अभिवादन करते हुए दर्शक। सीधा शॉट, जिनको सीधा खेलना इन्हें पसंद है और अक्सर ये ट्राई करते हैं सीधा खेलना, रिवर्स पेडल तो इनके खाते में है ही ऑलरेडी। चलिए और एक डॉट बॉल, एक कमाल का ओवर, एक बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त किया है, महंगाई के बाजार में भरपाई किया है। चलिए तीन ओवर की समाप्ति हो चुका है, नया ओवर का शुरुआत होगा। पहली गेंद में कहीं ना कहीं पूरी तरह से कड़ा रहा भैया, एक तरफ सुकांत झिंकू है तो फिर दूसरे तरफ राकेश का बल्ला बोल रहा है। पहली गेंद से और एक शानदार चौका, इस वक्त देखिए फिर एक बार यहाँ पे कम बैक करते हुए, वापसी करते हुए, इन डिलीवरी से संकेत है यहाँ पे आउट का, राकेश को लौटना होगा। राकेश बैक टू पवेलियन, गो ऑन। पहली ही गेंद आते नाते ही सेट होने का बिल्कुल समय नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं मैदान के बाहर से ही मूड बना के आते हैं कि गेंद अगर मुझे स्लॉट में मिलेगा मैं उसे बाजू वाले प्लॉट में डिपॉजिट करूंगा। मोहित कांजीलाल आते नाते ही 400 के स्ट्राइक रेट के साथ बैट करते हुए, वंस अगेन वंस मोर, कोई फुट मूवमेंट नहीं, स्टैंड एंड डिलीवर। वो कहते हैं ना कुछ लोग टैलेंट की पहचान होते हैं, कुछ लोग टैलेंट की दुकान होते हैं, और कुछ लोग भैया टैलेंट की खदान होते हैं। ये भैया रातीगंज से आते हैं और कैला के खान से आते हैं। बहुत ही शानदार से कमाल की फील्डिंग वहां पर, वंस अगेन फील्डिंग पर मोहित कांजीलाल, और एक आला दर्जे का शॉट और एक चौका यहां पे मोहित कराट से। जिंकू फर्स्ट बॉल, बाइलर बॉल ओकंते का लाइन टमिस खोलन, डॉट बॉल दिए शुरू कर पे बॉलर। सेकंड डिलीवरी ओकंते के, चाली तो बैठे चौकी तो चुंबन, शानी तो बॉलर मतलब बॉल जाबे सरासरी स्लिप ऑन चल दिए सीमा रेखा बाहर, बाउंड्री टॉस में जिंकू बैठते के। আবার ওখান থেকে চিঙ্কু লেগ সেকের ওপর দিয়ে একটা বড় শট খেলার চেষ্টা, ওখান থেকে টট ডেলিভারি। তো শেষ ওভারে খেলা চলমান, অবশ্যই চাইবেন একটা ভালো ওভার কিন্তু ওখানে নিয়ে আসতে বলার। আবার ওখান থেকে ইয়র্কার, এক্ষেত্রে কিন্তু চমৎকার ফিল্ডিং, নিজের শরীরটাকে হাওয়াই ছুড়ে দিয়েছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে দলের জন্য 4 রান কিন্তু ওখানে সেভ করলেন। যথেষ্ট দক্ষই খেলোয়াড় কিন্তু কোথাও না কোথাও ব্যাট হাতে বাউন্ডারি কি আসবে বিবেকের ব্যাট থেকে। আস্তে না আস্তে ওখান থেকে রিভার্স করলেন, মিসকানেক্টেড শট, মাত্র একটা রান সিঙ্গেল, সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত পঞ্চম ওভারে পরিসমাপ্তি, 5 ওভার শেষে দলগত স্কোর 60, তো লক্ষ্যমাত্রা থাকবে ওখানে 61 রানের।